हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। आज हम बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा में जो वैकेंसीज निकली हैं उसके बारे में। एप्लीकेशन फॉर्म जो ओपन हो जाएंगे 5 दिसंबर से ओपन हो जाएंगे। लास्ट डेट जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वो है 26 दिसंबर, और जो फीस पे करने की लास्ट डेट है वो आप देख सकते हैं वो भी 26 दिसंबर ही है। आप जो है अप्लाई करते हैं कर सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो आप सीधा वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हैं। जो वैकेंसीज़ हैं वो आप देख सकते हैं लीगल डिपार्टमेंट में है। टोटल जो वैकेंसीज़ हैं 20 हैं, जो एज मिनिमम 28 और मैक्सिमम 35 ईयर्स है। बैचलर डिग्री इन लॉ होनी चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने देखा है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी इन्होंने मांगा है। अगर आपके पास 5 ईयर्स का रेलेवेंट एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो भी लीगल में है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने स्केल्स डिवाइड कर रखे हैं और वैकेंसी जो है इसमें 40 है, मिनिमम एज 25 और मैक्सिमम 32 है। बैचलर डिग्री इन लॉ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और जो एक्सपीरियंस है 3 इयर्स का यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस, इसमें 150 वैकेंसी है। एज क्राइटेरिया आप देख सकते हैं 25 से 35 के बीच में एज होनी चाहिए। 2 इयर्स अगर आपने MBA करी है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है आपका, या फिर आपने ग्रेजुएशन के बाद में 1 ईयर का डिप्लोमा है आपके पास बैंकिंग एंड फाइनेंस का, और रेलेवेंट एक्सपीरियंस है 4 ईयर का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है वेल्थ मैनेजर सर्विस, स्केल में डिफरेंस है। वैकेंसी जो है इसमें 700 है, मिनिमम एज 21 एंड मैक्सिमम 30, ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम है आपकी तो आप अप्लाई कर सकते हैं विद रेलेवेंट 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। नेक्स्ट जो है वो है वेल्थ मैनेजर मैनेजमेंट सर्विस ऑपरेशंस, एक वैकेंसी है इसमें, मिनिमम एज 25 और मैक्सिमम 35 है। 2 इयर्स की MBA होनी चाहिए आपकी मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस एक्सेट्रा में, तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो एक्सपीरियंस मांगा है इन्होंने 5 इयर्स का रेलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो भी जो है वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस ऑपरेशन, स्केल डिफरेंट है, 2 वैकेंसी है, मिनिमम एज 21 और मैक्सिमम 30 इयर्स है। 2 इयर्स MBA है आप होनी चाहिए आपकी, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस, रिटेल में, और जो है आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 इयर्स का। तो जो कैंडिडेट्स इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और पे स्केल आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने मेंशन कर रखा है, और कैटेगरी वाइज जो डिवीजन है पोस्ट्स की वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। एलिजिबिलिटी जो है उसको फुलफिल करते हैं जो कैंडिडेट्स वो अप्लाई कर सकते हैं। रिलैक्सेशन जो रहेगी आप यहाँ पे देख सकते हैं एज़ पर गवर्नमेंट रूल है, और इन्होंने मेंशन भी किया है कि SC के लिए 5 इयर्स की है, बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 इयर्स की है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए 10 इयर्स की है। तो आप एक बार गो थ्रू हो सकते हैं अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं। प्रोबेशन जो पीरियड रहेगा आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 ईयर का प्रोबेशन पीरियड रहेगा आपका, जो है बॉन्ड साइन होगा आपका एक, और जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा उसमें आपका पहले जो है ऑनलाइन टेस्ट होगा जो कि कंसिडर करेगा रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और प्रोफेशनल नॉलेज जिस ट्रेड में आपने अप्लाई किया है। क्वेश्चंस जो रहेंगे वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो 200 हैं, और जो मार्क्स हैं वो भी 200 मैक्सिमम मार्क्स हैं, और जो टाइम होगा वो 2 आवर्स का होगा। जो कैंडिडेट जो हैं इसको क्वालिफाई करेंगे उसके बाद में उनका ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू होगा, और उसके बेसिस पे जो है आपकी जो है मेरिट लिस्ट बनेगी। तो जो फीस है अप्लाई करने की वो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि SC ST एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की जो फीस है वो है 100 रुपीज़, और जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए जो फीस है वो है 600 रुपीज़। तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो 26 दिसंबर से पहले अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू फ्रेंड्स।